7 जनवरी 2024 यानी कि नए साल की पहली एकादशी पर बनेंगे 300 साल बाद शिव योग और त्रिपुष्कर महासंयोग। 5 राशियों की किस्मत में रहेगा धन का लाभ, कर्ज से मिलेगा छुटकारा, साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी रहेगी विशेष रूप से मेहरबान। जी हां मित्रों, 300 सालों के इतिहास के बाद नए साल 2024 में सबसे पहली जो एकादशी पड़ रही है सफला एकादशी। इस दिन 5 राशियों की किस्मत में चमत्कारिक परिवर्तन होने जा रहा है। 5 राशि वाले लोगों पर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान हो रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, सफला एकादशी जो है ना वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और साल में कुल 24 एकादशियां होती है। उसमें से सफला एकादशी जो है वो साल की सबसे बड़ी और सबसे पहली एकादशी मानी जाती है। इस बार 7 जनवरी यानी कि पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन विशाखा नक्षत्र शूल योग बबकरण योग रविवार का दिन और पश्चिम का दिशा शूल बन रहा है। साथ ही सफला एकादशी पर शिव योग का निर्माण भी हो रहा है, जिससे कई राशियों की किस्मत चमकने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं 7 जनवरी यानी कि सफला एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ड और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, धनु राशि वाले लोगों के लिए सफला एकादशी का दिन काफी अच्छा और शुभ साबित होने जा रहा है। सफला एकादशी पर जो शिव योग का निर्माण हो रहा है, इससे देवों के देव महादेव और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और धन कमाने के नए नए माध्यम बनेंगे। लंबे समय से अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही थी, कोई भी व्यापार से जुड़ी कोई दिक्कतें चल रही थी, आर्थिक रूप से परेशानी थी, वो दूर होगी। एकादशी के बाद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य एकदम से चमकने लगेगा। सफला एकादशी के बाद से ही धनु राशि वाले लोगों की अधूरी इच्छाएं पूर्ण होगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब करते हैं, कोई कामकाज करते हैं, तो उन लोगों के लिए सफला एकादशी का दिन बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, नए साल 2024 में आपकी इनकम में बढ़ोतरी मिलेगी, धन कमाने के नए नए स्रोत बनेंगे और साथ ही व्यापार में आप नई डील फाइनल कर सकते हैं। अचानक से धन का लाभ मिलेगा, जिससे धनु राशि वाले अगर कोई भी अचल संपत्ति जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन या प्लॉट वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी ये इच्छा भी पूर्ण होने वाली है। आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी, घर में आप कोई भी महंगी चीजें खरीदारी कर पाएंगे। यूं कहें कि धनु राशि वाले लोगों के लिए छप्पर फाड़कर माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होने जा रही है। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए कामकाज थे वो एक एक करते हुए पूरे होते जाएंगे। आप अपने आप को प्रसन्नता के साथ महसूस करेंगे, आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी, आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लंबे समय से नौकरी बदलने जा रहे हैं या पहली बार कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जनवरी का महीना 7 तारीख से ही आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। आपको अपने उपयुक्त मनपसंद जगह पर नौकरी हासिल होगी। जो पहले से नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर धनु राशि वाले लोगों के लिए साक्षात भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सफला एकादशी यानी कि 7 जनवरी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें और इसी तिलक से स्वयं के ऊपर भी तिलक लगाएं। फिर इसके बाद अपने काम पर जाएं। इससे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी विघ्न बाधा के आपके सभी काम सफल होते जाएंगे। चलिए जान लेते हैं सफला एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, या ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा,
जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे। नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है। साल 2023 तो निकल चुका है, अब यह नया साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। आपका स्वयं का मकान कब बनेगा। विवाह का योग कब रहेगा। आपकी किस्मत कब खुलेगी। आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए सफला एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नो ने नो या यी और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह जो त्रिपुष्कर राजयोग बन रहा है ना, ये विशेष रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप लोगों को अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबे समय से पिछले 2-3 सालों से अगर आपके कोई भी कामकाज अटके हुए थे, वो बाधाएं दूर होगी, हर काम में सफलता मिलेगी, इस समय सभी इच्छाएं पूर्ण होगी और आप अपने भविष्य को लेकर अपने फ्यूचर को लेकर जो भी प्लानिंग कर रहे थे, जो भी योजनाएं बना रहे थे, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। 7 जनवरी के बाद नौकरी या जॉब करने वाले जो भी वृश्चिक राशि वाले लड़का या लड़की है, उनकी खूब तरक्की हो सकती है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, करियर में लाभ होगा, जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं उनको सफलता के योग बन रहे हैं, आपका मुनाफा बढ़ेगा, विदेश जाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर जो कोई भी आप कामकाज करेंगे ना, उसमें आपको सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव फल देखने को मिलेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सफला एकादशी पर आप अपने घर के ईशान कोण पर एक दीपक जलाएं और साथ ही माता लक्ष्मी जी को सिंदूर और विष्णु जी को हल्दी चढ़ाएं। इससे घर में धन का लाभ होगा और साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है ना, वो आप माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना कीजिए, जल्द से जल्द पूर्ण होगी। चलिए सफला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर राशि वाले लोगों के लिए सफला एकादशी पर त्रिपुष्कर और त्रिभवन राजयोग बन रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा और शुभ रहने जा रहा है। उसके अलावा मकर राशि में भगवान चंद्रदेव 10वें घर में विराजमान है और साथ ही बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी आज ही बन रहा है। इससे मकर राशि वाले लोगों को अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। नौकरी या व्यापार से जुड़ा अगर कोई भी आपके विवाद चल रहा है तो वो सभी अब सुलझने लगेगा। कार्य क्षेत्र में आपके परिस्थितियां आपके फेवर में रहेगी, जिससे धन का लाभ होगा। जो भी विद्यार्थी है जिनकी मकर राशि है और वो पहली बार कहीं पर भी नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जनवरी महीने में आपको अपने लिए रोजगार की प्राप्ति हो सकती है और जो व्यक्ति नौकरी बदलने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं ना, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। इस साल आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और लव लाइफ यानी कि प्रेम संबंधों में अगर कोई भी दिक्कतें आ रही है तो वो भी दूर होगी। त्रिपुष्कर राजयोग बनने के चलते सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है, आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में मजबूत रहेगी और साथ ही शिव योग के प्रभाव से आपका साहस और पराक्रम दोनों ही बढ़ेंगे, आपको उम्मीद से ज्यादा फल मिलेगा। अगर जो भी व्यक्ति नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो 14 जनवरी के बाद समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम बन रहा है, आप अपने उपयुक्त कोई भी व्यापार जो है वो यहाँ पर प्रारंभ कर सकते हैं। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सफला एकादशी के दिन आप वैजयंती के फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें और साथ ही गरीब लोगों में या तो जूते या कंबल का दान करें। उसके अलावा एक
मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान के साथ सुनिएगा। ओम त्रिविक्रमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार 21 बार या 51 बार जाप करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि मकर राशि के स्वामी भी भगवान शनिदेव ही है। चलिए जान लेते हैं, 7 जनवरी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए त्रिपुष्कर राजयोग जो है ना, ये बहुत ही अच्छा और उत्तम परिणाम लेकर आएगा। सफला एकादशी यानी 7 जनवरी के बाद आपको अचानक से धन प्राप्त हो सकता है या कोई भी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। प्रेम संबंध अगर आपके खराब चल रहे हैं, बिखराव चल रहा है, तो उसमें अब धीरे धीरे सही परिस्थिति देखने को मिलेगी। आपके विवाह के योग बनेंगे, पारिवारिक समस्याएं दूर होगी। जो भी विद्यार्थी है ना, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। उसके अलावा नौकरी और कारोबार दोनों में ही सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे और साथ ही उम्मीद से ज्यादा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक समस्याएं खत्म होगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, पैतृक संपत्ति से भी आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। कर्क राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि 7 जनवरी के दिन सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और साथ ही रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और धन की आवक भी बढ़ेगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।